माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे रविवार का व्रत कैसे किया जाता है एवं रविवार के व्रत की पूजन विधि एवं पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए। दोस्तों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से रक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न उठता है कि रविवार का व्रत हम करें तो कैसे करें, उसकी पूजन विधि कैसे करें, पूजा सामग्री क्या होए। दोस्तों, रविवार का व्रत सूर्य का व्रत एक वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार करना चाहिए। दोस्तों, जो आपके लिए सबल हो सुयोग हो वैसा ही ये व्रत कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कम से कम सूर्य का एक वर्ष होना चाहिए, नहीं तो 30 रविवार आप कर सकते हैं अथवा 12 रविवार तक व्रत अवश्य करें। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर दोस्तों शौच व स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। दोस्तों ध्यान रहे, वस्त्र में आप लाल रंग का प्रयोग अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों, तत्पश्चात घर ही के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो दोस्तों तो आप ऐसे भी मूर्ति से काम चला सकते हैं दोस्तों। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प से भगवान सूर्य का ओम सूर्य देव सहस्त्रंशो तेजोरा से जगतपते अनुकंप्यम माँ भक्त्यम गृहानम दिवाकरम ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः के साथ सूर्य भगवान का आवाहन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने दोस्तों, और व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य की आराधना करें अथवा ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम भास्कराय नमः के साथ सूर्य को आराधना करें। दोस्तों, जप के बाद शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ दे। साथ ही दोस्तों, एक गुप्त उपाय जो कि आपको रातों रात अमीर बना सकता है धनपति बना सकता है दोस्तों, उसके लिए आपको अक्षत लाल पुष्प और कुछ सिक्के जो है दोस्तों एक लाल कपड़े में बांधकर आप जहां पैसे रखते हैं आपकी जहां तिजोरी है वहां गुप्त स्थान में इसे रख दे। दोस्तों ध्यान रहे, इसे किसी को ना बताए और उस जगह पर हमेशा रविवार को उसे अपने मस्तक पर लगाए दोस्तों, और फिर वापस उसको वैसे ही रख दे। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी और चीनी खाए दोस्तों। रविवार के दिन याद रखें दोस्तों, भूल से भी नमक का सेवन ना करें। दोस्तों, इस व्रत का फल करने का क्या मिलता है, व्रत का महत्व क्या है? दोस्तों, इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है और इससे सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन यश मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। तो उम्मीद है मित्रों, आज इस विशेषांक में आपने जाना रविवार का व्रत कैसे करें, उसकी पूजन विधि पूजा सामग्री व गुप्त उपाय क्या है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहे। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।